ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृहन्ति ये भुरिदा जनाः शबरी कुपाख्यान के अंत में हम लोग प्रश्न के साथ शेष किया था जहाँ पर पूछा गया था कि शबरी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया मुक्ति प्राप्त किया लेकिन उनके सर्वग्रंथ तो कहाँ से प्राप्त हुआ कैसे सीता के बारे में रामचंद्र जी को सटीक संधान दिया एवं भविष्य में भगवान रामचंद्र की कर्मधारा किसे होना चाहिए जिसके माध्यम से उनके विजय प्राप्त होगा सीता पुनरुद्धार होगा वो भी बता दिया कि अब जाके ऋषिमुख पर्वत में अमीर जो रहते हैं सुग्रीव के साथ बानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करिए वो आपको सब कुछ बता देंगे। ये जो भूत वर्तमान भविष्य के सारे ज्ञान उनको प्राप्त हुआ ये कैसे संभव हुआ इसके संधान में हम देखते हैं कि ये प्रश्न हमारे पूर्वजगण भी ये प्रश्न किया था ऐसी कोई विद्या है जो जानने से सब कुछ जाना जाता है इसके संधान में प्रथम कौन ये विद्या प्रदान किया इसके उत्तर में मुंडक उपनिषद में इसका उल्लेख है अन्यतवा प्राचीन उपनिषद मुंडक उपनिषद में वन 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 अध्याय प्रथम बल्ली प्रथम बल्ली अध्याय में प्रथम श्लोक में बताया ब्रह्मा देवा प्रथम स संबभूव विश्वस्त श्रष्टा भुवनाष्ट गुप्ता सब ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अंग अंगिरायजस्ते पुत्राय अथर्वाय ज्येष्ठ प्राह कैसे इसका शुरुआत हुआ है ऋषुगण बताया ध्यान नित्र से आविष्कार किया कि प्रथम सृष्टि का प्रथम में जो देवतागण के भी पहले प्रथम आविर्भाव हुआ था ब्रह्मा का जो कि स्वयं हुआ है संभव हुआ उसका कोई पिता नहीं हुआ पिता वहां है संग परमात्मा से उद्भूत हुआ है ब्रह्मा इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन विश्व भुवन स्व गुप्ता पूरा विश्व का सृष्टिकारी एवं उनका पाला ही था इसलिए उसके पिता वहाँ कहलाता है उसका आगे की कोई नहीं है इज द बिगिनिंग उसका आगे देवतागण हुआ है ऋषिगण हुआ है और हम लोग सब वो ऋषिगण के पुत्र पुत्र आदि है देखिए हमारी जो परंपरा है ये कहा जाता है हम लोग का जो ओरिजिन है सृष्टि है सबके वह है पितामह इसलिए पितामह कहलाता है पितामह ब्रह्मा स्वामी सूर्यानंद ने कहा जो पश्चिमी दुनिया का जो आविष्कार वो तो कहते हम लोग मनुष्य शरीर विवर्तन के बाद कि बंदर हुआ है फिर पशु हुआ है धीरे धीरे मनुष्य शरीर प्राप्त किया लेकिन हमारे जो परंपरा कहते हम लोग विट इन कम आउट फ्रॉम दोअर लेवल्स वी केम आउट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ इसीलिए हमारे इधर जो देवत्व है सहजात है वे आर ऑल डिवाइन इज ए कम आउट ऑफ द ओरिजिनली डिविनिटी इस इसलिए स्वामी जी कहे थे ईज सोल इज पोटेंशियली डिवाइन डिविनिटी कहाँ से प्राप्त हुआ कर्न ये हमारा स्वरूप है हम लोग पशु शरीर से कोई मनुष्य में उन्नत नहीं हुआ हमारे जो ओरिजिन है वो देवता है डिविनीटी है ब्रह्मा इसलिए कहा गया है ब्रह्मा देवानाम प्रथमम संभव हुआ एवं वो कौन है विश्वस्त सृष्टा होने के बाद वो विश्व का सृष्टि किया एवं उसको पालन किया तो उन्होंने किया क्या सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या विद्याय प्रतिष्ठम जो सर्व विद्या के है, जो आश्रय जो ब्रह्म विद्या बता दिया प्रथम जो विद्या प्रदान किया वो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को दिया है अथर्य ज्येष्ठ पुत्र तो उनकी फर्स्ट ब्रह्मा हैंडेड ओवर हैंडेड डाउन वो विद्या आपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाय उनके सन अथर्व को प्रदान किया इट एस काम डायरेक्टली हैंडेड डाउन टू अस फ्रॉम पितामह ब्रह्मा तो वो विद्या कौन है ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठान सर्व विद्या के आश्रय तो नॉलेज प्रथम जो डिफाइन किया है दैट इज सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेजेस बड़ा सुंदर डेवलप किया है लोग उपनिषद में इस सर्व विद्या के आश्रय ये जो कहा जा रहा है जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने से सब कुछ जान जाते हैं कारण ब्रह्म ज्ञान कोई डेफिनेशन है ब्रह्मविद सर्वविद भवती ब्रह्म को जान लिया सो सब कुछ जान लिया कैसे कारण ब्रह्म ज्ञान का डेफिनेशन ही वही है संज्ञा हुई है ब्रह्मविद्या विद्या प्रतिष्ठा सर्वविद्या प्रतिष्ठा है आष्ट भीद्या, है दिस दी फाउंडेशन बेसिस राइटीज ऑफ नॉलेज एंटायर नॉलेज ट्राम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉलेज उसी को ब्रह्म विद्या का देखिए हमारे डिसीजन कितना वो तो अनुसंधान करते हुए ध्यान के माध्यम से कहाँ तक पहुँच गया और इज द सोर्स ऑफ नॉलेज सोर्स ऑफ ज्ञान हम लोग का भी आश्चर्य हो रहा है कि तो ये सब कुछ कैसे जान लिया कारण अगर कोई ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे तो वो सब कुछ जान लेंगे ये न केवल शबरी के जीवन में हुआ जो ब्रह्म ज्ञान हम देखते हैं जो ब्रह्म ज्ञान लाभ किया है सबके जीवन में ऐसी प्रतिभात हुआ राजा महाराज स्वयं ब्रह्मानंद जी ब्रह्मनिष्ठ थे और उनके जीवन में देखा गया ऐसी कोई ज्ञान नहीं था उसके पहुंच के बाहर है जो उनके जीवनी में है जो लॉयर है आयन विशेषज्ञ राजा महाराज के पास आए एवं आयन का कूट समस्या उनके साथ डिस्कस करने समाधान मिल रहा है जो मैार का अलाउद्दीन साहब जो कि सूर्य सम्राट थे सितार शरोद सब कुछ में पारंगत थे संगीत वो कहा करते थे कि राजा महाराज के पास आकर वो काली के परम भक्त भी थे अलाउद्दीन खां साहब वो मायार घराना का जो सृष्टिकारी है रविशंकर के गुरुजी वो राजा महाराज के पास आके बोलते थे कि यहाँ पर बजाने के बाद ऐसी आनंद हमें कहीं नहीं मिलता है वो सब कुछ जानते हैं वो सूर्य सम्राट स्वीकार किया कि ऐसे सूर्य का ज्ञान हम कहीं नहीं देखा तो हम लोग राजा महाराज कोई शिल्पी तो नहीं थे लेकिन उनके जीवन में देखा गया कैसे हुआ कारण ब्रह्मनिष्ठ थे ब्रह्म विद्या जान लेने से सर्व विद्या प्राप्त हो गया कारण ब्रह्म विद्या क्या है सर्व विद्या प्रतिष्ठा और वो गुरु परंपरा क्रम से गुरु शिष्य पर, पर, क्रम से वो ऊपर से नीचे प्राप्त हुआ तो वन यू फ्रेस आवर ओरिजिन टू द सोर्स देन दिस सीक्रेट इज रिवील्ड कैसे कि ये सर्व विद्या का आश्रय ज्ञान हमारे यहाँ पर आके पहुँच जाते हैं और वो स्वयं पितामह ब्रह्मा से उद्भूत होती है क्योंकि सृष्टि करता है सृष्टि के पलयता है और वो कैसे फर्दर हैंड डाउन हुआ है कैसे उसका परंपरा हुआ है उसका भी उल्लेख है इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पण मस्तु अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार